हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल तरकासन 10+12। देखो बेटा, आज तो मैं जो कंपटीशन का मेन टॉपिक है, सभी कंपटीशनों में लगभग ये आता है, ये क्या है, प्रतिसत्ता। आज यदि कोई बच्चा कितना ही कमजोर सही, हम शुरू से ही उसको सिखाने की कोशिश करेंगे और वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। क्या आपको लॉन्ग ट्रिक के साथ यानी कि जो लॉन्ग प्रोसेस है वो भी सिखाऊंगा और लास्ट में बहुत छोटे छोटे ट्रिक बताएंगे ताकि कि आप बहुत मिनटों और सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो बेटा, प्रतिसत्ता, सब पहले इस लफ्ज से आप लोग परिचित होंगे। प्रतिसत्ता का मतलब होता है 100 में, जैसे मान लो 5% है, इसका मतलब है भाई 5 और ये हटाओगे तो यहां लगा दो 100। इसका मतलब क्या हो गया, 100 में कितने 5, ठीक। और 20% का मतलब भाई इसको हटाओ यहां लगाओ 100, ये हो गया। यानी कि क्या हो गया, इसका जो 20% का मतलब होता है 100 में से 20, तो प्रतिशतता का मतलब तो लगभग आप लोग जानते ही होंगे। देखते हैं बेटा हम क्या है, प्रतिशतता को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को प्रतिशतता में। जैसे सपोज करो यहां पे कोई कहने लगा 20% को आप भिन्न में बदलो, तब क्या करोगे आप, 20 बटे और क्या लगाओगे 100। अब जो ऊपर नीचे कोई समान संख्या से कट रहे है काट दो, जैसे 20 21 20 20 5 100, कुल मिलाए के इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/5। या 50% है, इसको आप 50 बटे क्या लिखोगे 100, क्या लिख दो 50 51 50 50 2 100, यानी कि 1/2, सही है। या मान लो 80% को आप प्रतिशत भिन्न में बदलोगे तो 80/100 और कट कर लो 20 से 4 बार, 20 से कितने बार 5, तो 4/5। और किसी भी प्रतिशतता को यानी कि 150% है समझो, तब आप क्या लिखोगे 150 और बटे कितना लिख दो बेटा 100, कट कर लो 50 150 50 100, यानी कि 3/2। इस तरीके से आप प्रतिशतता को, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या लगा देते हैं 100 लगा देते हैं, आप भिन्न में बदल सकते हो। सेम इसका बेटा अपोजिट प्रोसेस कर सकते हो। अपोजिट प्रोसेस क्या है, अगर भिन्न दे रखी है, क्या दे रखी है भिन्न, जैसे सपोज करो 1/2 दे रखा है, क्या आप प्रतिशत में बताओ, तो यहां 1/2 आप क्या करोगे, यहां प्रतिशत का चिन्ह लगाओगे तो गुणा में क्या लगा लो 100, इसको कट कर लो बेटा कितना बार 50 बार, तो क्या हो जाएगा आपका 50 और प्रतिशत, 1/2 या 50%, बात एक ही है। सपोज करो यहां 3/2 कहता, इसको आप प्रतिशत में बनाओ तो 3/2 × 100 और ये लगा लिए प्रतिशत का चिन्ह, कट कर लो बेटा इससे ये कटा कितने बार 50 बार, 50 × 150 150%। या मान लो 1/4 है, इसको प्रतिशत बनाना है तो क्या लिखोगे 1/4 और यहां प्रतिशत का चिन्ह और यहां गुणा में कितना कर लो 100, इससे कटा 25 बार, कितना हो जाएगा 25% 25%। इधर और देखो बेटा, और यहां 3/2 तो कर लिया, और कर लो बेटा कितने प्रतिशत कुल मिलाएगा भिन्न में, जैसे 5/10 है, प्रतिशत में बनाओगे बेटा तो 5/10 और गुणा क्या लिखोगे 100 और यहां प्रतिशत का चिन्ह, इससे 0 कट गया, कितना आया 50%, है ना। रूप चेंज है, हालांकि ये 1/2 है, कुल मिलाए के आपको 1 मिनट ये देखना है क्या करना है बेटा, एक मिनट ये करना है, प्रतिशतता को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशतता बनाना आना चाहिए। अब देखो बेटा, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कोई कह देता है भाई, क्वेश्चन कह देता है 1500 का 15% होगा, सॉल्यूशन कैसे करोगे, अरे 1500 लिखो और इसका 15%, अरे सिंपल बात है 1500 यहां क्या लिखोगे 15/100, 20 से 20 15 कट गए,
15 कितने होते हैं, 225, इस तरीके से 225। या मान लो इस तरीके से आ जाता है, x का 5% का 10% बराबर मान लो 50, ऐसा कह रहा है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। उस कंडीशन में x ऐसे ही काम का मतलब है 5/100 लगा लो, यहां क्या कर लो 10/100, और कुल मिला के कितना कर लो 10/50। अब बेटा आपको ये चीज निकालनी है x। देखो कुछ चीज मैं बार बार समझा रहा हूं, इधर से कोई भी चीज उधर भेजने के नियम है बेटा, ये बराबर का चिन्ह है सर। अब इधर की कोई भी चीज आप इधर भेज सकते हो कुछ नियम का पालन करके। सपोज करो कोई चीज प्लस में है तो उधर जाके यही चीज उठकर कायम हो जाएगी माइनस में। यदि माइनस के में कोई भी वैल्यू है बराबर से उधर ले जाओगे ये हो जाएगी प्लस में, और अगर कोई चीज कायम है गुणा में है, कायम है गुणा में, सपोज करो यहां गुणा के चिन्ह में है, तब उधर जाएगा ये चीज कायम पहुंच जाएगी बटे में, या बटे में है तो उधर वो चीज पहुंच जाएगी कायम गुणा में। ये ध्यान देना, यहां पर बिल्कुल सिंपल एक मिनट का खेल है। प्लस की चीज उधर जाकर माइनस की हो जाएगी, माइनस की चीज उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, गुणा की चीज उधर जाकर बटे में पहुंच जाएगी, और बटे की चीज उधर जाकर गुणा में पहुंच जाएगी। देखते हैं, बस इतना सा करना आना चाहिए तो आप किसी का भी परसेंटेज बड़े आराम से, या मान लो जैसे इसमें ही दे रखा है, वो कह रहा है इतने का इतना है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स ऐसे जो चीज निकालने वो एक तरफ, उधर क्या था 50, अब पहले ये अपॉन वाली चीज मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये फिर ये जो गुणा की चीज थी वो कहां ले गए बटे में, कहां ले गए बटे में। अब ये 10 × 5 = 50, 50 से 50 कैंसिल, एक्स बराबर कितना हो गया बेटा, एक के आगे कितने 0, 4, अरे 100 की गुणा 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10,000। इस तरीके से छोटे छोटे सवाल आते हैं तो उनका केवल इतना ही है, आप इस तरीके से बहुत आराम से कर सकते हो। केवल प्रतिशतता का खेल आना चाहिए। प्रतिशत का मतलब होता है बेटा, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे आप तो बटे में 100 लगाओगे, यह प्रतिशत का चिन्ह लगाना चाह रहे हो तो क्या करोगे आप, उस समय आप 100 की गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो बेटा इससे थोड़ा सा ऊपर हटते हैं, मतलब ये तो सिंपल तरीका है, मान लो और अगर यहां पर बढ़ा दे, मान लो कह दे क्वेश्चन के x का 10%, फिर इस तरीके से का 20%, प्लस के 15 बराबर कितना है 40 है, काय का मान पूछ रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी तरीका है, क्या करोगे सॉल्यूशन करोगे, इधर x ऐसे ही इसको साथ साथ करते रहो, 10/100 इसको 20/100, सही है, ये प्लस की चीज है उधर ले जाओ क्योंकि एक पद इधर रहना चाहिए। तो उधर कितना था बेटा 40, ये उधर गया माइनस के 15, 40 में 15 गया कितने बचे 25। इधर क्या हो रहा है, जो कट रहा है काटना, ना कट रहा है तो सबको ऐसे ही कर दो, ऐसे ही लिख देते हैं हम, इस चीज को मुझे उधर पहुंचाना है तो एक्स ऐसे ही। अब हमने तुम्हें बताया जो बटे में का है, यहां पर काय में लिख दो गुणा में, सही है, और गुणा की चीज काय में लिख दो बटे में। सिंपल कैसे करोगे बेटा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कटा 2 बार, 2 से ये कट गया कितने बार 50 बार, एक्स बराबर, अब जीरो तो ऐसे करोगे 25 × 125, यानी कि 1200 कितना आ जाएगा 50। इस तरीके से छोटे छोटे प्रॉब्लम आती हैं बेटा। देखो परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम एक ही वीडियो में इसको बता देंगे, यानी कि एक वीडियो में, इस वीडियो में इतना करा दूंगा कि उम्मीद ये की जा रही है कि किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, अगर परसेंटेज का सवाल आ जाएगा गारंटी दे रहे छूटेगा ना, सब तरीके बता देंगे, पेशेंस बनाए रहे बेटा और लास्ट तक वीडियो तक जरूर देख, ठीक है। इधर देखो ये तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, अब देखो बेटा थोड़े से अलग सवाल देखेंगे। मान लो क्या होता है, इसमें दो तरीके के सवाल है, मैं बहुत जल्दी करा रहा हूं। जैसे मान लो ये कुछ ये नोट में इस तरीके से है कि यदि कोई व्यक्ति
अपने आय का, अपनी आय का एक्स परसेंट घर के खर्च, घर के खर्च में, खर्च में तथा वाई परसेंट स्कूल स्कूल फीस के रूप में, फीस के रूप में तथा शेष आर रुपए बचाता है। क्या करता है? बचाता है। तब व्यक्ति की आय होगी। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देगा लेकिन आपको क्या लिखनी है, आय ऐसे व्यक्ति की आय कितनी होगी, आमदनी कितनी होगी। सिंपल है, आर लिखो यहां और गुणा क्या लिखो 100 और अपॉन क्या कर लो 100 माइनस और जितने भी खर्चे करे हैं सबको यहां पर क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। इस तरीके से जरा से लफ्जों में ही आप क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। ठीक है, और देखेंगे बेटा इसका ही मैं तुम्हें दिखाता हूं क्वेश्चन। जैसा मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा यहां पे देखेंगे, एक व्यक्ति 15% कपड़ों पर 5% पढ़ाई पर तथा 240 रुपए शेष बचाता है तब व्यक्ति की आमदनी होगी या आमदनी होगी या इसको यहां लिख सकते हो आय होगी। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा, यहां पे आय या आमदनी कुछ भी कह दो, आय कैसे लिखोगे, हमने बताया कितना बचाता है वो 240 यहां लिखो। ठीक है, गुणा 100 माइनस क्या करोगे, यहां उन दोनों को जोड़ोगे 15 प्लस के 5 कितना हो गया 240 गुणा 100 और यहां कितना हो गया 100 और माइनस कितना 20 बेटा कितना आ गया 240 गुणा 100 और बटे कितना आ गया 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 3 है 24, 3 से 100 की गुणा करोगे इसका मतलब उसकी आमदनी कितनी है बेटा 300 रुपया है। इस तरीके से उस व्यक्ति की आय कितनी हो गई 300। अब या बेटा देखो इसका छोटा सा और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, या तो ये बेस ले सको ना तो बिल्कुल सिंपल तरीका यह है बेटा, यहां पर देख लेते हैं। देखो शॉर्ट में कैसे करोगे भाई, जो आमदनी कुल होती है वो 100% होती है, क्या होती है 100। अब हम देख रहे हैं ये व्यक्ति ने 15% ये खर्च कर दिए और 5% ये, कुल मिलाएगा 15 और 5 20 हो गए, कितना हो गया 20, तो 20% खर्च हो गए तो रह कितने का 80%। इसका मतलब है ये जो है बेटा 80% का मानी तो है, तो सिंपल एक इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, 80% बराबर 240, 1% बराबर 240 बटे कितना हो गया 80, इससे कटा 3 बार, 1% बराबर हो गया 3। अब हमें पता है आमदनी तो 100% थी, 100 से गुणा करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 100%, यानी कि आय आ जाएगी आपकी 100% का मतलब होता है, इधर भी जब करोगे तो कितने आ जाएगा 300। शॉर्ट में आप इस तरीके से कर सकते हो। बहुत से क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन ये दिखा रहा है बेटा, जैसे एक व्यक्ति अपनी आय
का 10% मकान किराए के रूप में, किराए के रूप में 30% राशन पर, किस पर, राशन पर तथा 10% स्कूल फीस के रूप में व्यय करता है। व्यय का मतलब है खर्च, क्या करता है, खर्च करता है, तब उसकी आय आय होगी। अब देखो बेटा, मैं इसको चाहेंगे तो वो ही रूल लगाएंगे, अच्छा के रूप में व्यय करता है, फीस के रूप में व्यय करता है तथा 1500 रुपया शेष बचाता है तब उसकी आय होगी, उसकी आय होगी। इधर देखो बेटा कैसे करोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल सी बात क्या है, या तो इसको उसी तरीके से, भाई यहां क्या करता है, कितना बचाता है गुणा 100 और 100 माइनस जितने परसेंटेज में इसने क्या करा, जो जितने परसेंटेज में उसने खर्च करा था सबको जोड़ के यहां लिखते हो और जरा से देर में कर सकते हो सूत्र के माध्यम से, वरना सिंपल है। 1500 रुपये बचा रहा है बेटा, कितने बचा रहा है, 1500। अब खर्च कितने परसेंट कर लिया उसने, 10 और 30 40 और 10 50%। इसका मतलब ये जो कुल आय का 50% ही तो रह गया, क्योंकि 50 तो खर्च कर दिया, तो ऐसे लिखेंगे 50% या एक्स बराबर, इसको आप जानते हो 1/2 बराबर 1500, इसको उधर ले जाओ, एक्स बराबर क्या हो गया बेटा 3000। इसका मतलब है कितने रुपए कमा रहा है, 3000 बेटा। 50% को अभी मैंने बताया था, 50% को आप 50/100 लिख दोगे और इसका मतलब होता है 1/2, सही है ना। इस तरीके से हम समझ गए, आधा रुपये ही तो बचा, अब आधा ही ये है तो कुल मिला के कुल कितना होगा उस पर, 3000। एक तो इस तरीके के सवाल आपको आना चाहिए। अब इसी में बेटा एक दूसरे तरीके का सवाल और देखेंगे। देखो उस समय थोड़ा सा अलग होता है। देखो सवाल कैसे है, जैसे मान लो क्या करता है, कोई व्यक्ति नोट में ये भी, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी आय का 1% पत्नी को, किसको, एक्स प्रतिशत बड़े बेटे को, बड़े किसको, बेटे को 22% बेटी को तथा शेष आर अपने पास रखता है तब उसकी आय होगी। अब देखो बेटा यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर बेटा क्या कह देता है, वो अपनी आय का इतना बड़े बेटे को या बड़े पुत्र को, फिर क्या कह रहा है, शेष का 22% बेटी को तथा शेष कितना बचता है आर, तब उस कंडीशन में ध्यान देंगे, तब उसकी आय इस तरीके से होगी, क्या होगी, उसकी आय जब निकालोगे तो वो लिखोगे आप क्या,
सौ यहां पे आर और नीचे लिखो सौ और सौ माइनस के एक्स गुणा सौ बटे कितना सौ माइनस का क्या यहां पे क्या लिखोगे बेटा बाई इस तरीके से लिखेंगे आप ठीक है तब उस समय आय निकालने का ये तरीका है ठीक है तब उस कंडीशन में आप आय इस तरीके से निकालेंगे ठीक है देखेंगे बेटा कैसे करोगे यहां पे एक क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें इस पर तब जल्दी समझ में आएगा क्वेश्चन है बेटा एक व्यक्ति अपनी आय का 10% पत्नी को तथा शेष का 20% पुत्र को और शेष 3600 रुपये अपने पास रखता है तब व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए आय ज्ञात कीजिए सॉल्यूशन क्या करोगे अभी मैंने पीछे बताया था नोट्स में वही देखें आय आय क्या लिखेंगे हम अरे उस पर कितना है 3600 कितना 3600 गुणा 100 बटे 100 माइनस अपनी पत्नी को कितना दिया उसने 10 फिर 100 बटे कितना करोगे 100 माइनस पुत्र को कितना दिया 20 और भी अगर देता तो हम क्या लिखते हैं इसी तरीके से लिखते हैं ठीक है ना यहां आ गया बेटा 3600 यहां कितना आ गया 100 बटे 10 और यहां कितना आ जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 80 कितना हो गया बेटा 80 करोगे बेटा कट कर लो किस तरीके से अरे जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल इससे ये कट गया कितने बार बेटा ये जीरो से तो ये वाले जीरो कैंसिल अब इससे कट गया बेटा ये चार से काट लो चार से ये 25 बार और ये कितने बार दो बार दो से करोगे 18 बार 1800 आ गए दो जीरो ऐसे ही यहां क्या करोगे 25 इकट्ठे कितने होते हैं 200 यहां से लगे 20 25 एकम 25 और बेटा कितना हो गया 100 देखो बेटा ये इधर देखेंगे बेटा क्या हुआ यहां 100 बट अच्छा ये 90 है कितना है ये 90 है थोड़ा ध्यान दो बेटा दोबारा से देखो एक सेकंड लगेगा कभी कभार मानवीय त्रुटि हो ही जाती है इधर देखेंगे क्या है बेटा यहां पर कैसे लिखोगे 3600 ऐसे ही यहां क्या लिखोगे 100 बटे और ये हो गया बेटा 90 बुढ़ा ये 100 बटे कितना हो गया 80 कैसे कट कर लो दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल ये कितना हो गया 8 में 72 तो 36 से ये दो बार कटेगा और दो से कट जाएगा ये 50 बार तो 5 के आगे कितने आ जाएंगे 1 2 3 ये बेटा कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कितने जल्दी कर लेते हैं इस तरीके से उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी बेटा 5000 हो जाएगी थोड़ा सा ध्यान दें बेटा इसके दो तरीके के सवाल हैं दो तरीके में हमें ये देख लेना होता है यहां पे कि एक तो शेष का पूछता है जब कुल आय पूछे और कह दे इतना इस मद पे इतना इस मद पे और इतना इस मद पे खर्च करते हैं तो बड़ा सिंपल रहता है सभी मदों की परसेंटेज को जोड़ो और क्या कर दो उसका क्या अरे कितना शेष बचा गुणा 100 और 100 माइनस के उस मत को घटाने के बाद सीधे आय निकल जाती है लेकिन बेटा यदि आय ऐसे दे रखी है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% पत्नी को तथा शेष का 20% पुत्र को और शेष यानी कि ये लब्ज मिल जाए शेष का तब ये ध्यान देना बार बार आपको ये ऊपर 100 लिखना पड़ेगा मान लो और इसी सवाल में और कह देता वो इसी सवाल को बेटा और बढ़ा रहा हूं
यहाँ कह देता, वो इस जगह और करेक्शन कर देता, यहाँ पे और मैं थोड़ा सवाल बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सपोज करो ये हरकत, ये इतना करो, वो कह रहा है शेष पत्नी को शेष का 20% पुत्र को तथा शेष का 10% पुत्री को और क्या करता है, शेष कितना बचाता है बेटा, शेष मान लो यहां 1000 रुपए अपने पास रखता है, शेष 1000 रुपए अपने क्या रखता है पास, तो व्यक्ति की आय, अरे बिल्कुल सिंपल, अरे भाई उस पर शेष बचा कितना ये बता, शेष कितना है 1000 गुणा 100 बटे कितना, पहले ये घटाओ तो 100 माइनस के 10 गुणा फिर कितना 100 बटे 100 माइनस के 20 फिर कितना ये वाला 100/100 माइनस के कितना बेटा 10, आ रही बात तुम्हारी समझ में, कुल मिलाए के 1000 यहां 100/90 गुणा 100/80 गुणा 100/ कितना हो जाएगा 90, इस तरीके से ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि शेष का आता है तो दूसरे का तरीका, दूसरे तरीके का सवाल है, दो ही तरीके के सवाल बनते हैं इससे, शेष शेष का कहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा चलते हैं आगे, अगला अब देखो एक ये हो गया आपका, ये आय से संबंधित है, एक बेटा दूसरा तरीका बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत सवाल उससे इस तरीके से होते हैं, कौन सा देखेंगे बेटा, इधर देखो मान लो तुलना वाला सवाल, कौन सा वाला, तुलना वाला, एक बेटा बहुत अच्छा ये नोट में लिखा रहे हैं, अच्छा सवाल है और जरा सी ट्रिक से मैं करना सिखाऊंगा, मान लो क्वेश्चन इस पर इस टाइप का सवाल, जिस टाइप का होता है, क्या एक विद्यार्थी परीक्षा में एक्स प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तथा सफल होने के निश्चित अंक से A अंक कम प्राप्त करके असफल हो जाता है तथा दूसरा विद्यार्थी 22% अंक प्राप्त करता है तथा सफल होने के निश्चित अंक से 2 अंक अधिक प्राप्त कर सफल हो जाता है पूर्णांक अंक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन बेटा देखो बहुत टाइम लगा है इसको लिखने में, जरा सी देर में देखा, पूर्णांक अंक यानी कि परीक्षा में कुल कितने अंक का पेपर था वो, तो पूर्णांक अंक कैसे करते हैं बेटा यहां पर जो परसेंटेज थे ये एक्स और ये दूसरी क्या है बाई, सिंपल है बाई माइनस के एक्स, इन दोनों का अंतर गुणा 100, अच्छे यहां पे अंकों का अंतर, किसका अंकों का अंतर, अब यहां अंतर आप समझ रहे होंगे, अंतर सब जानते हैं,
का ज्यादा में ऐसा कम घटाए का निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा इस यहाँ पे अंकों का अंतर दूसरे तरीके से लेते हैं। क्या मान लो एक ने 15 अंक कम प्राप्त करिए और दूसरे 15 अंक ज्यादा, तो उनके बीच जो डिफरेंस हो गया बेटा वो कितने का हो गया 30 का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ y माइनस एक्स, जब एक बच्चा कम अंक प्राप्त करता है और दूसरा क्या करता है अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर पता है क्या कर लेते हैं हम, ए प्लस का भी, ए प्लस का भी, और इससे बेटा जरा सी देर में आपका क्या है पूर्णांक निकल जाएगा। लेकिन यहां समान होने पर कैसे हो, या इनके ए भी का पहला व्यक्ति भी ए अंक कम प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे भी क्या कर रहे हैं कम अंक प्राप्त कर रहा, तो उस समय यहां पर क्या लेते हैं दोनों का माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि रियलिटी में ही सोचेंगे बेटा जो एग्जाम जो क्रैक होता है मेरे, उस समय आपको ट्रिक ये सूत्र या बहुत बड़ा एफर्ट लगाने से ना होता है, आपको सेंस लगाना है, गणित सेंस पे ही डिपेंड करता है। यदि आप सेंस लगाना जानते हो तब कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अब इधर देखेंगे बेटा फिर भी प्रयास करें तो कोई भी चीज क्या नहीं है कठिन नहीं है। देखो भाई बेटा कैसे करेंगे, मैं इस पर एक सवाल बताऊंगा और कभी भविष्य में आपके सामने ऐसा सवाल आया तो आप बहुत ही मिनटों और सेकंडों में कर सकते हो। देखेंगे बेटा सवाल देखो कैसा है, जैसे मैं एक सवाल लेता हूं इधर देखेंगे बेटा, देखो क्वेश्चन देखेंगे मैं फिर इसका इसी में कई एनवेलोप इन्वॉल्व कर दूं। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी, ये एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, कितने अंक प्राप्त करता है, परंतु वह 60 अंकों से क्या हो जाता है से असफल हो जाता है, तथा दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है तथा सफल होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है, अंक प्राप्त करता है, परीक्षा में कुल अंक कितने होंगे तथा सफल होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए, क्या है ऐसे कहते इधर देखोगे बेटा। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करो बेटा, यहां बहुत सिंपल है, क्या करेंगे देखो, मैंने तुम्हें यहां नोट्स में लिखाया है, क्या बताया है कुल अंक जरा सी देर में हमने बताया, यहां 100 प्रतिशतता का अंतर कितना है बेटा, यहां 45 है यहां 30 है, तो कुल मिलाकर यहां 45 - 30 यानी कि कितना करोगे 15 डायरेक्ट करो। और बेटा उसने क्या करे 60 अंक कम, सफल होने से 60 अंक कम
और उसने 15 अंक ज्यादा, तो अंतर कितने हो गए 60 प्लस के 15 करूंगा, क्योंकि यहां पर बेटा कम प्राप्त करे तभी तो एस वन हो गया और यहां पर कितने करेंगे ज्यादा, तो ऐसी कंडीशन में दोनों का क्या करोगे योग, यहां कितना आ गया 75, इससे ये कट करो 5 बार, बेटा कितना आ गया, इसका मतलब है पूर्णांक कितना आ गया, कितना आ गया बेटा 500 अंक आ गए। अब वो कह रहे थे कि बेटा सफल होने के लिए न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक, तो हमें पता है बेटा क्या कर रहा था, एक बच्चा 500 के कितने 30/100, अरे 30% अंक प्राप्त करे, लेकिन फिर भी 60 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब इसमें 60 और जोड़ दो, ठीक है, अब पास हो जाएगा ना वो, तो क्या हो जाएगा बेटा 500 × 30/100 और प्लस कितना हो जाएगा 60, इससे कटा बेटा जीरो कट गया, 5 × 3 = 15 क्या आ गया 1 × 0 = 60, ये कितना हो गया बेटा 210। ये सवाल बेटा पढ़ने में काफी समय लेगा, जैसे आप देख रहे हो मुझे लिखने में कितना टाइम लगा, लेकिन सॉल्यूशन आप सेकंडों में कर सकते हो। देखो इस पर कितने तरीके के सवाल है बेटा, दो तरीके के सवाल बनते हैं, एक तो जैसा आप देख रहे हो वैसा, और दूसरा मैं और दिखाता हूं आपको। देखो यदि कोई कह दे बिल्कुल सेम सवाल, मैं इसी को कहूंगा बेटा, यहां कह दे वो, सपोज करो यहां यहां कह दो 35, क्या कह दो 35%, ठीक है, फिर वो क्या करता है यहां पे 35% कर दो और यहां पे कह दो 30 अंक और यहां कह दो बेटा 10 अंक, सेम सवाल, यानी कि मैंने दूसरा सवाल लिख दिया समझ लो, कि एक परीक्षार्थी विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है परंतु वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है तथा सफल होने से कितने हैं 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उसका कुल कितना, कितने अंक परीक्षा में होंगे, तो यहां सॉल्यूशन क्या करोगे बेटा, कुल अंक, कुल या पूर्णांक, पूर्णांक आप कैसे निकालोगे, अरे मैंने तुम्हें बताया बेटा क्या करोगे, नीचे तो अंतर कितने का आ रहा है 10% का अंतर गुणा 100 और ऊपर अंक अंतर, अब उसने कितने करे 30 अंक कम और उसने 10 अंक कितना हो गया ज्यादा, तो कुल मिलाकर 30 पहले और 10 बाद में कुल मिलाकर 40 हो चुके हैं, कट करो कितना आया पूर्णांक, कितना आ गया 40। अब इसी सवाल में अगर ऐसा कहता न्यूनतम अंक, क्या कहता न्यूनतम अंक, तो हम क्या करते बेटा 40 का 400 का कितना परसेंट करा उसने 35% करा और प्लस उसमें कितने और जोड़ दो 30, यहां कितना आ जाएगा 400 × 35/100 और प्लस का कितना हो जाएगा 30, बेटा इससे ये जीरो कैंसिल, 3500 का होते हैं 140 और प्लस के 30, इसका मतलब 170 अंक उसे मिलते तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। अब इसी सवाल में बेटा देखो मैं और एक और सवाल जोड़ता हूं, क्या जब दोनों समान हो, क्या कह दे यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और वह इसको थोड़ा सा और वह सफल होने के लिए आवश्यक अंक, आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त कर सफल हो जाता, क्या हो जाता है सफल, दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और वह आवश्यक अंकों से कितना, मान लो यहां पे 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक होंगे और सफल होने के लिए कितने अंक न्यूनतम अंक होंगे, तो सॉल्यूशन क्या करोगे बेटा, मैंने तुम्हें बताया पूर्णांक जब भी निकालो, क्या निकालो पूर्णांक, सिंपल सी बात है बेटा, परसेंटेज का तो हमेशा अंतर ही करोगे, यहां कितना हो गया 10, अरे 45 - गुणा कितना 100। अब हुआ क्या बेटा,
ये 10 अंक ज्यादा करता है और ये कितना 30, तो बेटा इनके बीच का अंतर कितना रह गया 20 का ही तो रह गया, क्या रह गया 20, क्योंकि ये 10 ज्यादा ये 30 ज्यादा, अरे तो कुल मिला के एक दूसरे में अंतर देखो 30 में से 10 गए, तो यहां पे क्या लगाऊंगा बेटा 20, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसका मतलब है कितने हो गया पूर्णांक, कितना हो गया 200 अंक का। अब यहां पर न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक पास होने के लिए क्या है न्यूनतम अंक, तो क्या है 200 का कितना परसेंट, अरे बेटा 35% प्राप्त कर रहा था और कितने ज्यादा अंक ले रहा था 10, तो यहां पर ज्यादा ले रहा तो क्या कर दो घटा दो, यहां पर क्या करो 200/35/100 और माइनस के 10, इससे ये कटा कितना हो गया बेटा 70 माइनस के 10, यानी कि उसे 60 अंकों में क्या हो जाता वो पास हो जाता। अच्छा सवाल है बेटा, दो तरीके का है, अगर किसी को फिर भी समझ में ना आया तो बार बार वीडियो को क्या करें आप लोग देखें और फिर इसको करें, और ना होगा तो फिर एक बार और एक पूरी कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उसमें ये क्वेश्चन नहीं सकते, ठीक है बेटा। आगे आओ, आगे बेटा एक और तरीका देखो, एक तो ये परीक्षा से संबंधित, ठीक है, अब आ जाओ बेटा एक तुलना से संबंधित, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत छोटे नोट से वो याद रखा जा सकता है। देखो कैसे, मान लो ये कह देता है यदि ए की आय बी की आय से आर परसेंट अधिक है, अधिक है, तो ए की आय बी की आय से आर परसेंट अधिक है, तो बी की आय, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट, कितने प्रतिशत कम होगी, कम होगी, या इसी का एक दूसरा है, यदि ए की आय बी की आय से आर परसेंट कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत क्या होगी बेटा अधिक होगी। देखो बेटा यहां बी की आय कितने परसेंट कम होगी, जब कमी निकालनी हो, क्या निकालनी हो प्रतिशत कम, तो यहां पर पता है क्या लिखेंगे आर गुणा 100, और यहां पर बेटा क्या लिखोगे 100 प्लस के आर लिख दो, इस सूत्र से आप क्या है कितने परसेंट कम या ज्यादा होगी इस तरीके से निकाल लेते हैं। और जब बेटा अधिक निकालनी हो, क्या निकालनी है प्रतिशत अधिक निकालना है, तो उस समय क्या करोगे आर अपॉन 100 माइनस के आर और गुणा क्या कर दोगे 100। बेटा ये दो सूत्र है। अब बेटा देखो शॉर्ट ट्रिक होती है, कभी कभार ना याद आती है लेकिन भूल जाते हैं, इसकी जगह ये लगा देते हैं, इसकी जगह ये लगा, तो एक सेकेंड में सोचेंगे। देखो भाई हमें पता है अगर सेम चीज को हम ज्यादा से भाग दें तो हमेशा क्या आता है कम, और अगर हम कम से भाग दें तो हमेशा क्या आती है वृद्धि या अधिक आता, क्या आता है अधिक। अब यहां देखेंगे बेटा जब कम निकालना है तो नीचे यहां ज्यादा लिखना पड़ेगा, यानी कि 100 प्लस आर, और अधिक निकालना है तो यहां 100 माइनस के आर, जबकि ऊपर तो आर गुणा 100 ही रखना है हमेशा आर गुणा 100। ये एक चीज ध्यान देंगे, एक मिनट ध्यान देने वाली बात है, अगर हमें सेम चीज को कम लाना है तो ज्यादा से भाग दें,
या उसी चीज को हमें ज्यादा बनाना है तो कम से भाग दें। अब 100 प्लस के आर कैसा है बेटा, ज्यादा, और 100 प्लस के 100 माइनस का आर कैसा है, कम। देखो इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा। एक तो 20-25 का खेल चलता है, यदि कोई आय 20% ज्यादा होती है तो 25% क्या होगी, कम होती है। दूसरे में 20-25 का नियम बहुत चलता है और इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और दिखाता हूं बेटा कैसे आता है क्वेश्चन, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। यदि रमेश का वेतन, रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से यदि रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 20% कम है तो रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से क्या है, 20% कम है तो सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। क्या पूछ रहा है, अधिक होगा। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, अरे प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक। अब हमें पता है भाई कितना है, अरे ये प्रतिशत था कितना, 20 गुणा 100। यहां क्या लिखोगे भाई, अधिक निकालना है तो 100 में से 20 घटा दो, यानी कि 20/80 और गुणा 100, इससे ये कटा 4 बार और 4 से कटेगा कितना बेटा, 25 बार, कुल मिलाएगा बेटा 25% अधिक होगा। क्या होगा, 25% अधिक। यदि यहां पे मान लो, ये बहुत क्वेश्चन आता है, मान लो इस तरीके का, यहां पे यहां ले लो रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 25% क्या है बेटा, 25% अधिक है तो सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। अब यहां बेटा क्या लिखोगे आप, हमने बताया कम निकालना है, प्रतिशत कमी, यानी कि किसकी, सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना। भाई देखो क्वेश्चन देख लो बेटा, यदि रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 25% क्या है, अधिक है तो निश्चित ये कम होगा, तो सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर वही परसेंटेज लिखो 25 और बटे, अब बेटा कम निकालना है ना, तो यहां क्या करोगे 100 में ये वाली चीज जोड़ दो और गुणा क्या लिख दो, ये क्या होगा 25/125 और गुणा क्या लगाओगे 100, इससे कटा 5 बार, 5 से कटा 20%, तो ये 20% क्या होगा बेटा, कम होगा प्रतिशत। यदि इसी पे और क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी पे जितने भी सवाल हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन, एक चीनी के मूल में पचास परसेंट कमी हो जाने के कारण एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि परिवार का खर्च परिवर्तित ना हो। देखो सॉल्यूशन बेटा क्या हो रहा है,
चीनी के मूल्य में कमी हो गई, निश्चित खपत बढ़ा, खपत में क्या कह रहे हैं कितने प्रतिशत खपत में वृद्धि की जाए, तो खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि। अब वृद्धि करोगे तो यहां बेटा 50 गुणा 100, हमने क्या बताया वृद्धि चाहिए, तो क्या करोगे 100 में से ये चीज क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, क्योंकि कम से दोगे भाग तभी तो ज्यादा आओगे। यहां कितना कर लो 50, कितना आएगा 50 बटे, यहां भी कितना आया बेटा 50 और गुणा कितना हो गया 100, इससे ये कैंसिल। इसका मतलब है 100% बढ़ा दो। 100% का मतलब होता है कि अगर 2 किलो चीनी आप पहले यूज कर रहे थे तो अब 2 किलो और, यानी कि कितना 4 किलो करने लगा, कितने करने लगा 4 किलो, यानी कि इस तरीके ये खपत वगैरह वाले सवाल इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा एक और रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन बता रहा हूं, जो कि उस रिलेशन से संबंधित काफी सवाल हो जाते हैं। कैसे ये क्या करते हैं हम, नोट में ही है ये, यदि किसी वस्तु के मूल में A% तथा B% दो कमी हो तथा क्या है क्रमशः A% किसी वस्तु के मूल में A% तथा B% दो कमी हो तो कुल कमी। फिर बेटा इस सूत्र से देते हैं A+B+AB/100। इससे बेटा जितने दो राशि वाले सवाल होते हैं इसी सूत्र से करते हैं, सही है। दो क्रमागत कमी, दो किसी यदि वस्तु के मूल्य में ए और बी क्या है, पहले ए फिर A% और क्या है B% कमी है, क्या हो कमी, तब क्वेश्चन क्या हो जाता है इस तरीके से हो जाती है, दो कमी हो गई तो बेटा कैसे हो जाएगा उस समय, ये करते हैं हम सॉरी यहां, या दो क्रमागत वृद्धि हो यदि किसी वस्तु के मूल्य में A% और B% क्रमागत या क्रमशः वृद्धि की हो तब कुल वृद्धि का सूत्र बेटा, कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, कुल प्रतिशत वृद्धि है। जैसे मान लो अगर यहीं पर क्या कर लेते हैं बेटा, यहीं पर एक काम और करते हैं, अगर यहां पर ये वृद्धि हो और ये कमी हो तो जो वृद्धि होती है उसके लिए प्लस का चिन्ह करते हैं और जो माइनस होता है, जो कमी होती है उसके लिए माइनस, और अगर लगातार दो माइनस करे जाए, क्या करे जाए लगातार माइनस हो, लगातार क्या होती है कमी हो, तो हमेशा कमी रहती है और उसका मैं बताऊंगा क्या होता है। देखेंगे बेटा जैसे क्वेश्चन ले लो बेटा, यदि किसी वस्तु के मूल में क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि की जाए तो कुल प्रतिशत वृद्धि लिखी, हमने बताया सीधे 5 + 10 + 5 × 10 कितना हो जाएगा 100, कितना हो रहा है ये 15, इसको कर लो कितने बार 10 बार और इससे कटा कितने बार
एक बटे दो, यानी कि कुल मिलाया था 15 सही 1/2 प्रतिशत की वृद्धि, 15 सही 1/2 प्रतिशत की। डियर स्टूडेंट्स, ये सब मैंने आपका टाइम बचाने के लिए करा है, ताकि कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। इधर देखो बेटा क्या कह रहे हैं, ये घड़ी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए, और उसी बिक्री में क्या है, उसकी बिक्री में 40% की क्या है कमी आ जाए, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने बताया इस 25 को लिखो प्लस का, और 40 को काय का लिखोगे माइनस का, और फिर 25 × -40 और बटे 100 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ कितना बचा -15, और इसको कटोगे तो 25 × 4 = 100 और 4 से ये कट गया 10 बार, कुल मिलाकर -10 ये कितने हो गए -25। इसका मतलब है उसके जो व्यापार में कुल कमी आ जाएगी वो बेटा उसको जो घाटा होगा या समझो 25% का है, उसको जो क्या प्रभाव पड़ेगा बिक्री पर, 25% क्या है माइनस का चिन्ह बता रहा है कि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में क्या है 25% की कमी की जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना, क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, ये प्लस की लो, क्या कर रही है बेटा ये कमी, तो माइनस के 25 प्लस 20 × -25 और बटे क्या लगाओगे 100, यहाँ क्या बचा बेटा -5, इससे कट कर लो इससे 5 बार, और 5 से कटा ये 5 बार, तो -5, इसका मतलब है ये उसका क्षेत्रफल कितना घट जाएगा 10% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखो ऐसे ही ये सवाल है, यदि किसी वॉशिंग मशीन के मूल्य में 10% की कमी की जाए तो उसकी बिक्री में 20% की क्या हो जाती है वृद्धि, इसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसको क्या लोगे आप -10, इसको क्या लोगो +20, यहां क्या लिखोगे अरे -10 × 20 और बटे क्या हो जाएगा 100, ये यहां से क्या हो गया सीधे 20 में से 10 गए 10, यहां पर काय का चिन्ह माइनस, कितना हो गया ये बेटा ये 200 हो गया ना, अरे 0 से 0 कैंसिल -2, इसका मतलब है आज उसकी क्या होगा, अरे उसके बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा 8% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ पर वही सूत्र क्या है, x + y + xy / क्या है 100 का प्रयोग करते हैं, अगर वृद्धि हो रही है तो इनके प्लस का लेते हैं, और अगर कमी हो रही है तो माइनस का। अब सब जानते हैं बेटा अगर -×- होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है, लेकिन जब एक माइनस और दूसरा प्लस तो हमेशा क्या हो जाता है माइनस, समान चिन्हों की गुणा हमेशा प्लस, विपरीत चिन्हों की गुणा हमेशा माइनस। इधर देखेंगे बेटा इस पर ज्यादातर सवाल छपता है, इस पर यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की क्या कर दी जाए कमी की जाए तथा बाद में घटे हुए मूल्य पर 1% क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, तो हमेशा मूल्य में क्या होती है कमी होती है बेटा, और कमी कितनी प्रतिशत की होती है a² / देखो जैसे इस पर ही सवाल करा रहा हूं बेटा, इस पर आपका इस पर लगभग कंपटीशन में जो आता है वो इसी के आधार पर आता है, कौन से पे इस पर या फिर आयत के क्षेत्र वगैरह। मान लो जैसे ये है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल में 20% की कमी की जाए तथा घटे हुए मूल में पुनः ये घटे हुए मूल को 20% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु के मूल में होगा में होगी कमी या वृद्धि होगी या होगा ऐसा करना। अब हमें पता है, हमने तुम्हें बताया बेटा इसका सॉल्यूशन, बस एक मिनट है,
हमेशा क्या आएगी, कमी, मूल्य में कमी आएगी, मूल्य में कमी। और क्या लिखोगे बेटा, 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि कितना आ गया 400 बटे 100। इससे ये कितना आ जाएगा, 4% की हमेशा क्या आएगी, कमी। यह इसी का एक क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, तथा बड़े हुए मूल को 20% कम कर दिया जाए तब मूल में होगी कमी / वृद्धि। सॉल्यूशन, हमेशा क्या होगी बेटा, कमी होगी। कमी का मतलब कितना, वही, अरे इसका सूत्र का प्रयोग करें, 20 का स्क्वायर बटे 100, और यहाँ कितना हो जाएगा, 400 बटे कितना 100, 4% की बेटा कमी आएगी, 4% की क्या आ जाएगी बेटा, कमी। यहाँ सेम प्रोसेस है बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज जब दोनों चीज कैसी होती है, समान, तो उसी का स्क्वायर करो। यहाँ 25-25 ले लेते तो 25 का यहाँ कर लेते कितना, 625, कितना आ जाता बेटा, फिर कितना, यहाँ 625 आ जाता, और 625 को 100 से भाग देते तो कितने आ जाते, 6.25 की क्या आ जाएगी, कमी। हमेशा कमी आती है, इस पर सवाल छपता है, देखेंगे बेटा नए ट्रिक के साथ। एक और प्रोसेस लगे देखो बेटा, इधर देख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखियो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर एक और नंबर दो देखेंगे। एक बार देख लो, किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति एक्स रुपए में 20 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है, तो बेटा फिर अब कम खरीद पा रहा तो निश्चित है कि रेट बढ़ गया होगा। अब रेट बढ़ा हुआ यानी कि बड़ा प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल कितना है, और प्रति किलोग्राम उसका आरंभिक मूल कितना था। सिंपल सी बात है, कितने प्रतिशत रेट यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ उतार लेते हैं, कितने रुपए की बात चल रही थी वो यहाँ पे, यहाँ हमेशा 100 रखते हैं, और यहाँ वस्तु कितनी कम और ज्यादा, यहाँ ध्यान देंगे, ये सवाल दोनों के लिए है। यदि वृद्धि, क्या कहते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में यदि कमी हो तो निश्चित है वस्तु क्या है, उतने रुपए में क्या कर रहा होगा, वस्तु ज्यादा खरीद रहा होगा, दोनों के लिए है। क्या करेंगे बेटा, यहाँ जो प्रतिशत है वो यहाँ सीधे रख लो, कितने रुपया का लेन देन हो रहा है वो यहाँ कर दो, कितने रुपए की बात चल रही है, और नीचे 100, और यहाँ वस्तु कम और ज्यादा कितनी हो रही है। देखो जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है बेटा, सेब के मूल में 20% की वृद्धि हो जाने के परिणाम स्वरूप एक ग्राहक 300 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम सेब कम खरीद पाता है, तब सेब का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, आप कैसे लिखोगे, प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल। हमने क्या बताया बेटा, कितने प्रतिशत का रहा है मामला, 20 का, कितने रुपए की बात चली है, 300, यहां आप 100 लिखोगे, कम और ज्यादा वस्तु कितने किलोग्राम, 5, यहां कर लो बेटा, इससे ये 0 कट गए, और इससे कटा कितने बार, 4 4 3 12, इसका मतलब है जो रेट है अब इस समय वो 12 रुपया प्रति किलोग्राम है। अगर कोई इसका ही बेटा प्रारंभिक मूल पूछे, यानी कि जो पहले मूल्य था प्रति किलोग्राम, हम आरंभिक या प्रारंभिक मूल, तो अभी बेटा बिल्कुल सेम, अरे कितने प्रतिशत की बात चल रही है बेटा, 20 की, कितने रुपए की बात चल रही है, 300, यहां पर क्या करो, कितने वस्तु की बात चल रही है, 5 की। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां 100 में वो प्रतिशतता हमें जोड़नी पड़ती है, क्योंकि पहले निश्चित है मूल्य क्या होगा, कम, तो यहां बेटा 100 और प्लस की कितने हो जाएगी, 20, कितने हो जाएगी, 20, यानी कि और आगे बढ़ाएंगे इसे, कट करो बेटा, 20 ये 300, यहां कितना आ जाएगा बेटा,
120 और गुणा कितना करोगे 5, कट कर लो बेटा, इससे इससे ये कट गया कितने बार, 4 बार, 4 से कटा 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसका मतलब पहले रुपया कितने थे 10 रुपया का भाव था, नया मूल कितना उसका 12। फिर से देखेंगे बेटा आप लोगों को ये चीज, ये एक क्वेश्चन ये सोच लो बहुत ही अच्छा है, नया मूल और पुराना मूल, ये बेटा नया मूल कहलाता और ये पुराना मूल, बिल्कुल सरल सी बात है। यहाँ पे हम अगर तुम सोचो कैसे याद रखोगे बेटा, यहाँ छोटी सी बात से याद रखेंगे, क्या अरे भाई प्रतिशत वृद्धि यहाँ लिख लो, गुणा कितने रुपए की बात चल रही है वो यहाँ रख लो, यहाँ पे आपको 100 ही रखना है जब आपको नया मूल निकालना है, नया मूल तो यहाँ पे आपको 100 गुणा कितने किलोग्राम कम ज्यादा हो रहे हैं वो यहाँ लिख लो और जरा सी देर में आंसर आ जाएगा। अगर आपको पुराना मूल निकालना है, पुराना मूल सिंपल सी बात है, यही प्रतिशत कितनी है, यहाँ पे कितने रुपए की बात चल रही है, यहाँ पे 100 में ये प्रतिशत जोड़ दो और कितनी मात्रा की बात चल रही है इससे निकाल सकते हो। बहुत सरल है बेटा, एक क्वेश्चन के सहारे आप बहुत से क्वेश्चन याद यानी कि बना सकते हो। सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण परिणाम स्वरूप एक ग्राहक 300 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम सेब कम खरीद पाता है, तब सेब का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल और पुराना, बिल्कुल हम बार बार बताऊंगा, इसको सिंपल है, आप इसको याद रखने की कोई जरूरत ना है, सिंपल है, यहाँ से उठाएंगे कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, कितने रुपए की बात चली, यहाँ हमेशा 100 और यहाँ पर कितने किलोग्राम के यानी कि कितने की 5 के, सिम काट करोगे इससे ये कटा 5 बार, या कैसे ही काट लो बेटा 5 से ये कटा कितने बार, कितने बार बेटा 4 बार, और 4 तीय बार है अभी कितना 20 गुणा 300 बटे 100 गुणा कितना 4 बार, यहाँ पे कितना 5, 5 चौक 4 बार, 2 जीरो से जोड़िए 4 तीय 12 रुपये। अगर नया मूल पुराना मूल निकालना है तो यहाँ बेटा जैसा मैंने यहाँ समझा रखा है, यहाँ समझे हुए हो, इस सवाल के तरीके के जितने सवाल बना के कर सकते हो, प्रैक्टिस का ही नाम गणित है, गणित में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर नोट करें। इधर देखो बेटा अब क्या होता है, इसमें के सवाल देखेंगे बेटा, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है, यहाँ पे भी दो तरीके के सवाल है, ये देखो चीनी का मूल 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने पर गृहिणी को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। अब यहाँ पे ध्यान देंगे भाई क्या करना होता है बेटा, यहाँ पे यहाँ देखते हैं कितना प्रतिशत क्या करें कम करें, क्या करें कम कर देना चाहिए, तो इसमें हमें साफ पता होता है इसमें एक ज्यादा होता है और एक क्या होता है कम, तो यहाँ कम करना है तो ज्यादा से भाग दो, और ज्यादा करना है कम करना है बेटा तो ज्यादा से भाग देंगे, और अगर ज्यादा करना है तो क्या करोगे कम से भाग। खैर कोई बात ना, यहाँ पर कम कैसे करेंगे, यहाँ तो हमेशा ज्यादा में से कम घटाते हैं 20 माइनस पे 16, अब यहाँ कमी करनी है ना तो इनमें से दोनों में से ज्यादा कौन सा 20 और गुणा क्या करोगे 100, इसका मतलब क्या करोगे यहाँ पर 4 और बटे 20 और यहाँ हो जाएगा 100, इससे कटेगा कितने बार 5 बार, अरे यहाँ 4 बचा बेटा 4 पंजे 20 और 5 से कटाइए 5 दूनी 10 कितना, उसको 20% की क्या कर देनी चाहिए कमी कर देनी चाहिए, क्या कर रहे हैं कमी। इसी सवाल में बेटा मैं इस सवाल का एक नया सवाल और बना रहा हूं, अगर वो कह दे यहां और यहां, यहां सपोज करो आप 25 मान लो, यदि चीनी के मूल्य में 25% 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर यह यहां कर दो घटकर, क्या करोगे घटकर 20 रुपया प्रति
किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को खपत में कितना प्रतिशत क्या कर दें, वृद्धि कर दें, वृद्धि कर दें, देना चाहिए, ताकि कि इस मद पर कुछ क्या है, मद पर खर्च ना बढ़े। अब यहां वृद्धि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वृद्धि, तो ऊपर तो वही लिखोगे 25 माइनस का 20। अब यहां वृद्धि कर रहे हो तो वृद्धि करने का बेटा कम से भाग दोगे, कम कितना है यहां, कम कितना बेटा 20, यहां लगा दो 20 और गुणा क्या लिख दोगे 100, ये क्या आ जाएगी आपकी वृद्धि आ जाएगी ना, तो यहां कितना 5/20 और यहां हो जाएगा ये, इससे ये कटा कितना, 4 बार 4 सबों कितना बार कटेगा 25 बार, और यही क्या आ गया आंसर। देखेंगे बेटा यहाँ पे किसी भी वस्तु का मूल इतने से घटकर इतने रुपया हो गया, निश्चित मूल घटा है, अब अगर उसको एक्स्ट्रा खर्चा ना करना है तो खपत क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। जब भी चीज क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बढ़ाते हैं तो यहाँ पे तो हमेशा जो मूल का अंतर है, क्या है, मूल का अंतर, अगर मूल वृद्धि करनी है, मूल वो सॉरी खपत क्या करनी है आपको, खपत बढ़ानी है, क्या करनी है, बढ़ानी है, तब बेटा यहां पर कम मूल, कम मूल, और यहां खपत क्या करनी है बेटा, घटानी है, घटानी है, तो यहां पर क्या, वहां तो मूल का अंतर ही लिखोगे, मूल का अंतर, और बेटे यहां क्या लिखोगे, अधिक मूल, अधिक मूल, और गुणा हमेशा क्या रखना है 100। ये दो लाइनें याद रहती हो तो इस तरीके का सवाल हो जाएगा। फिर से देखेंगे किसी चीनी का मूल 25 रुपए से प्रति किलोग्राम से घटकर कितना हो गया, 20 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत वृद्धि कर देनी चाहिए। तो हमने तुम्हें अभी बताया वृद्धि कर रहे हैं, खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि, ऊपर क्या लिखोगे, दोनों का अंतर, अरे दोनों का मतलब है 25 माइनस के 20, सही। अब नीचे हमें वृद्धि करनी है तो इनमें से कम कौन सा है बेटा, ये लिखोगे ना, क्योंकि अभी हमने बताया कम मूल, कम मूल कितना है 20 और गुणा क्या कर दोगे 100, यहाँ कितना आ गया 5 और बटे 20 गुणा 100 और यहाँ लगाओगे कितने बार, 4 से 4 से कटेगा 25 बार, 25 प्रतिशत। बेटा वीडियो पर इतनी देर बने रहे उसके लिए धन्यवाद, और चैनल को अधिक से अधिक बच्चों से सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक करें, फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, नए बढ़िया कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। और ये ध्यान रखना मैं एक ही वीडियो में टोटल संपन्न करने की कोशिश करता हूँ, नए वीडियो में भी फिर से कोई टॉपिक क्या करेंगे, नया सा स्टार्ट, और उसमें भी पूरा बेस समझाएंगे, ठीक है बेटा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो बार बार लाइक करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।